हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सरकारी नौकरी से संबंधित है। एक पद डेपुटेशन बेसिस पे हैं, रिमेनिंग सभी पद सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। यह जो वैकेंसी हैं, नॉन टीचिंग के विभिन्न पद हैं और लाइब्रेरी अटेंडेंट सहित नॉन टीचिंग के विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि यह जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप GOVT यानी गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू .org के वेबसाइट पर जाकर वहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वह वेबसाइट अभी जो मैं नाम बताया हूँ यानी इस चैनल के नाम से ही वेबसाइट बनाया गया है और इस पर सरकारी नौकरी से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपलोड की जाती है। वहाँ पे इजीली तरीके से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको डेटा भी ज़्यादा खर्च नहीं होगा और नोटिफिकेशन भी डाउनलोड हो जाएगा। और भी जो डिटेल जानकारी है सभी वेबसाइट पे अपलोड की जाती है, तो इसलिए वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। मैं बात कर रहा हूँ नॉन टीचिंग के जो विभिन्न पद हैं, इन पद के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर हैं, यहाँ पे ग्रुप दिया गया है जिसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में आवेदन आमंत्रित हैं। यहाँ पे पोस्ट दी गई है यानी पद का नाम दिया गया है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज पद दी गई है और यहाँ पे मेट्रिक लेवल और सैलरी हैं, जिसमें फाइनेंस ऑफिसर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। सैलरी जो है 1,44,200 से लेकर 2,18,200 रुपये हैं। डायरेक्टर कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल के लिए जो सैलरी है सेम पद हैं। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर का एक पद है जो डेपुटेशन बेसिस पे हैं और इस पद के लिए सैलरी 78,800 से लेकर 2,09,200 रुपये सैलरी हैं। सेक्शन ऑफिसर के लिए जो सैलरी हैं 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये पर मंथ सैलरी हैं। असिस्टेंट के लिए एक पद हैं और सैलरी 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये हैं। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए एक पद हैं और सैलरी सेम है। UDC का एक पद है यानी UDC कैटेगरी में एक पद है, सैलरी जो है 25,500 से लेकर 81,100 रुपये पर मंथ सैलरी हैं। LDC के लिए कुल तीन पद हैं LDC का यानी लोअर डिवीजन क्लर्क का, सैलरी जो है 19,900 से लेकर 63,200 रुपये पर मंथ सैलरी हैं। MTS के लिए कुल जो पद हैं, तो कुल पद की हम बात करें तो कुल 9 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। MTS का 9 पद हैं, सैलरी 18,000 से लेकर 56,900 रुपये हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 3 पद हैं और सैलरी सेम है। लाइब्रेरी अटेंडेंट का एक पद है OBC कैटेगरी में और सैलरी सेम रखी गई है इस पद के लिए। यह जो नोटिफिकेशन है, इस पद के लिए सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे अप्लीकेशन शुल्क और ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की प्रोसेस। तो फाइनेंस ऑफिसर के लिए एज लिमिट 57 साल हैं। क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री 55% अंक के साथ में, पॉइंट स्केल ग्रेडिंग सिस्टम में फॉलोइंग है, कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस, पे लेवल L11 के अनुसार होनी चाहिए। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्सपीरियंस है तो भी चल जाएगा। डायरेक्टर CDC के लिए भी एज लिमिट सेम है, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस सेम है इस पद के लिए। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर का जो पद है यह तो डेपुटेशन बेसिस पे हैं लेकिन एज लिमिट 56 साल है। सेक्शन ऑफिसर के लिए एज लिमिट 35 साल है। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और 3 ईयर एक्सपीरियंस असिस्टेंट इन द लेवल 6 या 8 ईयर एक्सपीरियंस एज UDC लेवल 4 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट 35 साल है। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हैं और 3 ईयर एक्सपीरियंस UDC लेवल का होना चाहिए, पे लेवल 4 लेवल का, जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी या पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड एक्सपीरियंस L4 लेवल का होना चाहिए और कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होनी चाहिए। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आपको पता ही है कि मास्टर डिग्री मंगा हुआ है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों कंपलसरी रहता है इस पद के लिए। UDC पद के लिए एज लिमिट 32 साल है और क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री मांगा हुआ है, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस LDC लेवल का होना चाहिए। इसके साथ में टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश है और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी है। LDC के लिए एज लिमिट 32 साल है और
जो एक्सपीरियंस हैं, सॉरी 32 साल हैं, और क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री मांगा हुआ है, साथ में टाइपिंग स्पीड इंग्लिश वर्ड पर मिनट इंग्लिश है, सॉरी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश है और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग है। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होनी चाहिए। MTS के लिए 10वीं क्लास पास लेवल पे आवेदन आमंत्रित हैं, साथ में ITI या 10वीं क्लास पास हैं या 10वीं क्लास के उपरांत ITI पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए एज लिमिट 32 साल हैं और क्वालिफिकेशन में 12वीं क्लास साइंस सब्जेक्ट से पास आउट होना चाहिए। यदि आप 10वीं क्लास पास हैं और स्टेट या साइंस सब्जेक्ट से पास हैं और स्किल सर्टिफिकेट प्रोग्राम लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए एज लिमिट 32 साल हैं और 12वीं क्लास पास लेवल पे आवेदन आमंत्रित हैं, साथ ही सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस और 1 ईयर एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी या कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर अप्लीकेशंस हैं। अब मैं बात करूँ कि ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो तिथि है, 31 अगस्त तक तो ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और 7 सितंबर 2023 तक आपका अप्लीकेशन फॉर्म, इसमें जो एड्रेस दी गई है इस एड्रेस पे पहुंचना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एज लिमिट में जो छूट हैं वो अप्लीकेबल हैं। अप्लीकेशन शुल्क की हम बात करते हैं कि इस पद के लिए कितना अप्लीकेशन शुल्क लगेगा, तो इसके लिए हम थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पर आते हैं तो और भी डिटेल जानकारी ये सब दी गई है आपके लिए, तो जो भी डिटेल जानकारी है एक बार आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ें। अब मैं बात करता हूँ कि यह जो वैकेंसी है कहाँ पे आया है और अप्लीकेशन शुल्क कितना लगेगा। तो असम विश्वविद्यालय सिलचर यानी असम यूनिवर्सिटी सिलचर में आवेदन आमंत्रित हैं, 31 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और 7 सितंबर 2023 तक अप्लीकेशन फॉर्म पहुँचना चाहिए। इसमें जो अप्लीकेशन शुल्क हैं 1000 रुपये हैं जनरल और EWS OBC कैटेगरी के लिए, सीरियल नंबर 1 से 5 तक के लिए 1000 रुपये हैं और सीरियल नंबर 6 से 11 तक के लिए 500 रुपये हैं। इसके अलावा अप्लीकेशन शुल्क SC ST PWD कैटेगरी और वोमेन कैटेगरी के लिए अप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है, लेकिन 200 रुपये पोस्टर चार्ज के रूप में पे करना है। तो इसलिए यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि 200 रुपया यदि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 200 रुपये जरूर पे करें। और यह जो वैकेंसी है असम विश्वविद्यालय सिलचर में आवेदन आमंत्रित हैं। अब मैं बात करूं कि इसके पहले भी नोटिफिकेशन आया था और आप पहले अप्लाई किए हैं तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके बारे में डिटेल जानकारी के लिए आपको क्या करना है कि नोटिफिकेशन डाउनलोड करके एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद ही ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। और आप चाहते हैं कि इसी तरह का अपडेट और नई वीडियो की जानकारी आपको मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें जिससे कि अपडेट और नई वीडियो की जानकारी टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। इसी के साथ धन्यवाद।